बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर वन व्हिच इज इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। व्हाट इज प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से मुराद एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें प्रोग्रामर को बेसिक टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिक टूल्स में आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर विच वी नीड टू राइट द प्रोग्राम, और टेक्स्ट एडिटर टू एडिट इट, और कंपाइलर टू कंपाइल इट, और डीबगर टू क्लियर द एरर्स। ये तमाम फैसिलिटीज जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क वी नीड टू हैव प्रॉपर टूल्स। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें प्रॉपर टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर गार्डनिंग वी नीड गार्डनिंग टूल्स, फॉर पेंटिंग वी नीड अ कलेक्शन ऑफ पेंट ब्रशेज एंड कैनवस। गार्डनिंग करने के लिए, प्लांटेशन के लिए हमें गार्डनिंग के प्रॉपर टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सेम लाइक अगर हमने पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग के लिए हमें प्रॉपर ब्रशेज एंड कैनवस वगैरह रिक्वायर्ड है। सिमिलरली वी नीड प्रॉपर टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग। इसी तरह से प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें उसके बेसिक टूल्स का होना जरूरी है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल द नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेक्स अप प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तमाम नेसेसरी टूल्स प्रोग्रामिंग के मिलकर एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इट इज़ असेंशियल टू सेट अप अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम। सबसे ज़रूरी है कि पहले हम सेटअप क्रिएट करें, ऐसा सेटअप, ऐसा एनवायरनमेंट जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम को राइट करने में हेल्प आउट करे। इट वर्क्स एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर अस टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ये हमें बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को राइट करने के लिए और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड डिवेलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डिवेलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो यूजर को, यानी कि प्रोग्रामर को, फैसिलिटेट करता है उन तमाम फैसिलिटीज के साथ जिसके लिए उसके लिए प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। वो इजिली प्रोग्राम को राइट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, कंपाइल भी कर सकता है, प्रोग्राम को डीबग भी कर सकता है। और ये तमाम फैसिलिटीज IDE अंडर अ प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है जिससे प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामिंग काफी आसान हो जाती है। A software that provides a programming environment to facilitate programmers in writing and executing computer program is known as an integrated development environment. Integrated development environment एक ऐसा software है जो हमें ऐसी facilities provide करता है जिससे programmer के लिए program को write करना है, execute करना बहुत आसान हो जाता है। An IDE has a graphical user interface GUI, meaning that user can interact with it using windows and buttons to provide input and get output. IDE में एक हमारे पास ऐसा इंटरफेस होता है जिसे हम GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जिसकी मदद से प्रोग्रामर विंडोज और बटन्स को इस्तेमाल करते हुए यूजर से इनपुट भी ले लेता है और उसे आउटपुट भी प्रोवाइड कर देता है। एन IDE consists of tools that help a programmer throughout the phase of writing, executing and texting a computer program. IDE के पास वो तमाम टूल्स मौजूद होते हैं जिससे प्रोग्रामिंग आसान होती है और प्रोग्रामर इजिली प्रोग्राम को राइट भी कर लेता है, एग्जीक्यूट भी कर लेता है और उसको टेस्ट भी कर लेता है। अगर उसमें कोई एरर है तो इसे इजिली डिबग भी कर सकता है। दिस इज अचीव्ड बाई कंबाइनिंग टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर एंड डिबगर इन अ सिंगल इंटरफेस। और ये तमाम काम तभी पॉसिबल है जब हमारे पास टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर एंड डिबगर एक ही इंटरफेस में मौजूद हो। एन IDE हमें तमाम इंटरफेस एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता है। सम ऑफ मेनी अवेलेबल IDEs फॉर सी प्रोग्रामिंग आर विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड, कोड ब्लॉक्स, डेव C++। ये वो तमाम सॉफ्टवेयर है जो हमें IDE या ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिससे हम प्रोग्रामिंग को इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। वॉट इज टेक्स्ट एडिटर? And text editor is a software that allows programmers to write and edit computer program. Text editor एक ऐसा software है जो programmers को program को write करने में and edit करने में help out करता है. All IDEs have their own specific text editor. तमाम integrated developer environment का अपना text editor मौजूद होता है जिसमें program को write भी किया जा सके and edit भी किया जा सके. It is the main screen of an IDE where we can write our programs. ये IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की मेन स्क्रीन होती है जहां पे हम प्रोग्राम्स को राइट करते हैं। डिफाइन कंपाइलर। कंपाइलर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, एक है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी है मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन बीइंग्स होती है, जिसे सिर्फ इंसान समझ सकते हैं। एंड मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर होती है, जो कि जीरो और वन पे बेस करती है। प्रोग्राम्स हम राइट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ जीरो एंड वन। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है और उसी पे काम करता है जो कि जीरो और वन पे बेस करती है। दे रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ आर प्रोग्राम्स रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू
मशीन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट. तो कंप्यूटर को समझने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है ताकि वो इजीली उसे एग्जीक्यूट कर सके. दिस अचीव्ड यूजिंग अ कंपाइलर, और ये सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर के इस्तेमाल से मुमकिन है. अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कोड. तो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कन्वर्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में. एक्सप्लेन प्रोग्रामिंग बेसिक्स. Each programming language has some primitive building blocks and provides some rules in order to write an accurate program. हर programming language के अपने कुछ building blocks होते हैं, कुछ rules and regulation होते हैं जो program को accurate बनाते हैं. And this set of rules is known as syntax of the language. तो ये जो rules and regulations हैं, इन्हें हम syntax कहते हैं. जैसे हर काम को करने का एक तरीका होता है, इसी तरह programming को करने का भी एक तरीका है. और वो तरीके का उन rules को follow करना क्या कहलाता है? Syntax. Syntax can thought of as grammar of a programming language. जैसे English की अगर हमने writing करनी है तो उसके लिए हमारे grammar का strong होना जरूरी है. इस तरह अगर हमें program write करना है तो उसके लिए हमारा syntax का concept clear होना जरूरी है. While programming, if proper syntax or rules of the programming language are not followed, the program does not get compiled. अगर हमारे rules and regulations और हमारे syntax के concept strong नहीं होंगे और हम उसको properly follow नहीं करेंगे तो हम एक अच्छा program नहीं लिख सकते. जब हम एक अच्छा program नहीं लिखेंगे तो उसे properly compile नहीं करेगा और हमें error show करेगा. In this case, the compiler generates an error. इसके नतीजे में क्या होगा? जब हम proper syntax को follow नहीं करेंगे, program को properly write नहीं करेंगे, तो क्या होगा? एक error generate हो जाएगा. And this kind of error is called syntax error. तो rules and regulations में खराबी पैदा हो जाए और वो properly नहीं लिखे हुए हों, तो उसके अंदर error show होता है. And that is called syntax error. Explain reserve words. Every programming language has a list of words that are predefined. हर programming language के अंदर कुछ words की list होती हैं जो कि पहले से ही programming language में store कर दी जाती है, जिसे पहले ही define कर दिया जाता है programming languages में. Every word has a specific meaning already known to the compiler. हर word का अपना एक meaning होता है जो कि compiler में already store किया जाता है. These words are known as reserve words or keywords. In words को reserve words या keywords कहा जाता है जो कि programming language में पहले से store होते हैं, जिन्हें हम program को write करते हुए use करते हैं. If a programmer gives them a definition of his own, it causes syntax error. अगर कोई भी programmer program को write करते हुए इन words के अलावा किसी और word को use करेगा तो वो एक syntax error generate करेगा, because वो rules and regulations के against होगा. Means के जो words पहले से predefined है उन words को ही use करना जरूरी है. अगर उसके अलावा हम खुद से कोई word declare करेंगे तो programming language को accept नहीं करेगी और error generate करेगी. That is called syntax error. Table shows the list of reserved words in C language, C programming language. Auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, go to, if, int, long, register, return, short, sign, size, static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile, while. These are reserved words. These are the list of reserved words. जो ये वो words हैं जो कि programming language में पहले से ही define हैं, जो कि program को write करते हुए use किए जाते हैं. इन तमाम words का word तभी आपको समझ आएगा जब हम program को solve करेंगे. In the next lecture, inshallah, we will write programs. और उन programs में इन reserved words को use किया जाएगा. उससे आपको reserved words काफी हद तक clear हो जाएंगे.